मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश में 25 और 26 अगस्त को महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से ही कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सकता है। इस महाअभियान में वैक्सीन का दूसरा डोज लगाने पर फोकस रहेगा। मोबाइल वैन के माध्यम से बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगों को आसानी से वैक्सीन लग सकेगी। महावैक्सीनेशन अभियान कार्यक्रम रखा गया है। अभी तक लगभग 4,01,51,000 लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। यह अपने आप में रिकॉर्ड है, पर यह भी देखा गया है कि दूसरे डोज को लेकर लोगों में कुछ उदासीनता है। इसलिए 25 और 26 का जो हमारा वैक्सीनेशन अभियान है, उसमें जिनको पहला डोज नहीं लगा उनको तो लगेगा ही, परंतु हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि सेकेंड डोज को लेकर पूरी तत्परता बरती जाए, सभी लोग सेकेंड डोज लगवाएं। सभी हमारे कोरोना वॉलंटियर्स के मोबाइल पर ये लिस्ट जाएगी कि किस एरिए में कौन से हमारे हितग्राही हैं जिन्होंने समय पूरा होने के बाद भी सेकेंड डोज नहीं लगवाया। हमारी पूरी कोरोना की जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। जिस प्रकार से 21 जून को हमने कार्यक्रम निष्पादित किया था, उसी तरह प्रेरक के रूप में लोग जाएंगे और 25 और 26 को एक वृहद कार्यक्रम होगा जिसमें कि हम वैक्सीन को और तेजी से लगाएंगे। कारण क्या मानते हैं?